हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो पिछले वीडियो में, अभी जैसा बोर्ड का लेक्चर सीरीज हम लोग कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में मैंने फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो भी समरी वगैरह है, मतलब NCERT में जो भी दिया हुआ है उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब पूरा ही, जो भी थॉरली उसका रिविज़न टाइप पूरा ही डिस्कस कर चुका हूँ। 1.5-2 घंटे का वीडियो था जिसको मैंने ट्रिम करके 2 वीडियो में एक कर दिया था, तो वो जाके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा मतलब सही हो, सही से समझ में आए कैसे क्या करना है क्वेश्चन को। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उसमें छूट गया है वो सब कॉन्सेप्ट इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही हम लोग कवर करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वायर डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स नॉट फॉर्म क्लोज लूप। यानी क्वेश्चन में दिया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते हैं। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन तो कुछ इस तरह से है, बट ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर पूछे तो उसमें तो कुछ आपको अलग ही लिखना है, बट इसका जो रियल एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताता हूँ वो क्या है। इसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं वहाँ पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो भी होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अब कंजर्वेटिव फील्ड का प्रॉपर्टी क्या था? कंजर्वेटिव फील्ड का प्रॉपर्टी था कि अगर किसी भी क्लोज लूप में मूव करें तो नेट वर्क डन उस पर 0 होगा उस फील्ड के थ्रू। मतलब अगर किसी भी चार्ज को हम इस फील्ड में, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कराते हैं क्लोज लूप में, तो नेट वर्क डन यहाँ से यहाँ तक लाने में 0 होने वाला है। बट अब अगर एज्यूम करें कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है अपना प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इसका फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से फील्ड लाइन इसका आ रहा है। अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे एक कोई प्लस क्यू चार्ज है जिसका फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है। अब एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं, इस क्यू नॉट को अगर यहाँ पे देखें तो फील्ड लाइन यहाँ पे कुछ इस तरह से जा रहा है, यानी इसके अलॉन्ग, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस पर फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे देखें, इसको यहाँ से यहाँ मूव कराते क्यू नॉट को, तो इस पर भी टेंजेंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मतलब क्यू नॉट यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब होगा क्या, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं इस लूप में। ये अपना छोटा सा एलिमेंट हो गया जिसका लेंथ dx है। अब ये जो dx लेंथ है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि आप इसे एक लाइन सेगमेंट मान सकते हैं या फिर लाइन मान सकते हैं। जैसा अर्थ भी हमेशा, मतलब हम अर्थ भी स्फेरिकल शेप ही है, बट अगर हम लोग एक छोटे से पोर्शन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी प्लेन ही है। तो इसलिए मतलब एक छोटे से पोर्शन को अगर यहाँ पे देखें तो ये हमें एक लाइन सेगमेंट ही दिखेगा जिसका लेंथ समथिंग dx है, और इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स भी लग रहा है किसी चार्ज पे। मतलब ये कुछ इस तरह का सीन बन गया कि ये अपना dx सेगमेंट हो गया और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है जिस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है जो कि q इंटू e के बराबर है। यहाँ पे q नॉट चार्ज रखा है, तो अगर यहाँ से यहाँ मूव कराने में, मतलब यहाँ से यहाँ छोटे से मतलब सेगमेंट में मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो dW होगा, जो कि बराबर होगा किसके, फोर्स इंटू dx के, एफ डॉट dx जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। अब फोर्स अगर देखें तो q नॉट इंटू e के बराबर लग रहा है, जो कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ना कुछ इधर है। तो जो dW होगा अपना वो q नॉट इंटू e इंटू dx के बराबर होगा, dx लिंक क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर हम नेट वर्क डन कैलकुलेट करें यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में अगर नेट वर्क डन देखें तो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल dW, जो कि बराबर होगा q नॉट e इंटू dx के, इसका इंटीग्रल। अब q नॉट इंटू e ये तो कांस्टेंट ही है कुछ इधर से जाए, तो q नॉट e को बाहर लाते हैं और इंटीग्रल dx हो गया। अब इंटीग्रल dx क्या होगा, छोटे छोटे एलिमेंट को अगर ऐड करते जाएं, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर ऐड करते जाएं, तो ये जो इसका लेंथ होगा, टोटल लेंथ इस पाथ का, मतलब लेंथ ऑफ पाथ अगर l मान ले, तो वही तो इंटीग्रल dx होने वाला है। यानी नेट वर्क डन अगर देखें तो q नॉट इंटू e इंटू, अब यहाँ पे लेंथ l के बराबर होगा, यानी अगर यहाँ पे देखें तो वर्क डन समथिंग नॉन जीरो हो रहा है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है,
बट कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका मतलब होना ये चाहिए था कि अगर इसे क्लोज लूप में मूव कराएं तो वर्क डन समथिंग जीरो के बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे नॉन जीरो हो रहा है, इसलिए ये जो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होगा वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया, बट ये वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे वो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटर इनसाइड एनी चार्ज। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन जो हो गया, मतलब अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया एक्सप्लेनेशन तो मैंने बता दिया, बट अगर वन मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। मतलब किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है अपना द टू आइडेंटिकल बॉल्स, मतलब दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, शेप और साइज दोनों ही सेम है, चार्ज भी उस पर इक्वल ही है, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, मतलब टू आइडेंटिकल बॉल्स जिन पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू है, क्यू कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, जिनको सस्पेंड किया जा रहा है दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ऑफ इक्वल लेंथ, और उन स्ट्रिंग का भी लेंथ जो है वो भी इक्वल है। वाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स, मतलब अब फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा वेन दे आर सबमर्ज्ड इन एन इंसुलेटिंग मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दो हमारे पास इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं जिन पे चार्ज क्यू मौजूद है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है दो स्ट्रिंग से जिनका लेंथ भी इक्वल है। अब क्या किया जा रहा है कि उस पूरे सिस्टम को हम किसी मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम में सबमर्ज कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के होता है वो ग्रेटर देन वन होता है इंसुलेटिंग मीडियम के लिए। तो अब हमें पूछ रहा है यहाँ पे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा जब हम इसे किसी इंसुलेटिंग मीडियम में सबमर्ज कर दे। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अब देखते हैं केस क्या हमारे पास कि दो आइडेंटिकल बॉल को जिस पे चार्ज इक्वल है इनको सस्पेंड किया जा रहा है किसी स्ट्रिंग से जिसका लिंक, मतलब ये भी इंसुलेटर ही है, मतलब ताकि चार्ज इससे फ्लो ना हो सके। अब इनको सस्पेंड किया जा रहा है जिसका लेंथ L या L कुछ भी होगा, मतलब लेंथ। अब हम अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास दिया क्या है, दोनों सिंस बोथ द बॉल्स आर आइडेंटिकल हैविंग चार्ज Q, ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। अब हम करते क्या है कि अज्यूम करते हैं खुद से, लेट द सेपरेशन बी आर, या फिर लेट सेपरेशन बिटवीन देन बी आर, मतलब इन दोनों के बीच के की बीच का जो सेपरेशन होगा वो आर के बराबर है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मतलब कूलम्स लॉ से अगर देखें जो इन पे फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा दोनों में ही, एक इस पे इधर, इस पे इधर, जो कि बराबर होगा K इंटू क्यू वन, क्यू वन के जगह पे भी Q, ये भी क्यू टू के जगह पे भी Q, K क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर के। अब हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था उसको अभी हम लोग स्मॉल के अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ से कूलम्स लॉ से एफ नेट जो होगा अभी वो होगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के बराबर। बट जब अब हम इनको किसी मीडियम में सबमर्ज करते हैं, मतलब किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम में सबमर्ज करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट समथिंग स्मॉल के है जो कि ग्रेटर देन वन है, तो अब नेट फोर्स जो होगा वो सिर्फ इसके कारण ही नहीं, मतलब इसको आप लोग नोट करें फिर आगे बताता हूँ। तो अब उस पे जो नेट फोर्स होगा वो एक तो कूलम्स लॉ मतलब के हिसाब से, कूलम्स लॉ के अनुसार से जो इस पे फोर्स के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर लग रहा है वो तो लगेगा ही, बट अब हम इसे मीडियम में सबमर्ज कर दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट समथिंग स्मॉल के है, अब इस मीडियम के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी नेट फोर्स जो इसका होगा वो अब ये नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ कम होने वाला है। तो आफ्टर सब मर्जिंग इन मीडियम
जो नेट फोर्स होगा वो एफ डैश मानते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो एफ डैश होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू स्मॉल के, ये अपना एफ नेट हो गया। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंस के इज ग्रेटर देन, जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है वो ग्रेटर देन वन है, सिंस के इज ग्रेटर देन वन हेंस ये जो फोर्स होगा एफ डैश होगा वो इस एफ से छोटा होने वाला है। हेंस मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज ग्रेटर देन वन सो एफ डैश विल बी लेस देन एफ। तो यहाँ से अगर नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स मीडियम में सबमर्ज करने के बाद कम हो जाएगा जो स्टार्टिंग में फोर्स था, तो इसका एक्सप्लेनेशन यही हुआ। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, लिख सकते हैं हेंस फोर्स इज रिड्यूस्ड या फिर आफ्टर सबमर्जिंग इनटू मीडियम नेट फोर्स विल बी रिड्यूस्ड। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, यानी आफ्टर सबमर्जिंग इन मीडियम नेट फोर्स विल रिड्यूस, इस तरह से लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो भी है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ओके सो थर्ड क्वेश्चन अपना है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट, दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, दोनों को रखा गया है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, तो d दूरी पे ही मतलब इन दोनों को रखा गया है। एज सोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एज सोन, मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको थोड़ा एक्सटेंड करे तो उस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के वजह से जीरो है। राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस, अब हमें दो कंक्लूजन लिखना है जो इस सिचुएशन से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग नोट कर ले फिर समझते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो हमारा क्वेश्चन का जो सीन है वो है समथिंग इस तरह का, यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और इनके लाइन मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से डिस्टेंस समथिंग x अज्यूम कर लेते हैं या फिर x2 अज्यूम करते हैं और यहाँ से डिस्टेंस x1 अज्यूम करते हैं, मतलब इस पॉइंट चार्ज Q1 से x1 डिस्टेंस अज्यूम करते हैं और इस Q2 से x2 डिस्टेंस अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए, तो अब हमें कुछ डिफरेंट केसेस देखने होंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि अगर एक चार्ज, ये जो Q1 चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है मतलब माइनस Q1 है और एक Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों केस में अगर देखें यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पे अगर इस पॉइंट P पे देखें तो इस Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ उस डायरेक्शन में होगा और इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकता है। बट अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस होगा फर्स्ट केस, ये तो अपना फर्स्ट केस में ही आ गया, बट सेकंड केस देखते हैं कि दोनों इक्वल मतलब सॉरी लाइक चार्जेस हों, यानी ये Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तो Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट P पे अगर हम देखें Q2 पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा और Q1 भी पॉजिटिव है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस वाले रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो ही नहीं सकता है जब दोनों लाइक चार्ज हो। सेम केस निगेटिव चार्ज के साथ देख ले, माइनस Q1 और ये भी माइनस Q2, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा और इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी दोनों ही केस देख ले अगर लाइक चार्जेस हो तो उस केस में इधर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो ही नहीं सकता है। वो अपना फर्स्ट केस ही था कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, अब ये कोई हम लोग अभी अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, मे बी ये भी हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव हो और Q2 निगेटिव हो, ये भी हो सकता है कि Q1 निगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो, बट हाँ हम श्योरली ये तो बोल ही सकते हैं कि ये दोनों जो चार्जेस होंगे वो अनलाइक चार्ज होंगे तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा हुआ कि ये दोनों अनलाइक चार्ज होंगे यानी डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे। सेकंड अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण Q2 के कारण जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो एक इसको निगेटिव अज्यूम करते हैं इसको पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में और निगेटिव के कारण इस डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यानी इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू वन ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स वन का स्क्वायर
वो बराबर होना चाहिए इसके कारण के क्यू टू ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स टू स्क्वायर, तो यहाँ से हम के खत्म हो गया। यानी अगर हम देखें यहाँ से एक्स वन स्क्वायर ओवर एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन ओवर क्यू टू आ गया इसको सिंप्लीफाई करने पे। यानी एक्स वन ओवर एक्स टू अगर देखें तो रूट अंडर क्यू वन ओवर क्यू टू आएगा। यानी एक्स वन जो अगर इसको हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी से अगर देखें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि एक्स वन जो है ऊपर में है और इधर क्यू वन भी ऊपर में ही है, जहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्यू, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो एक्स का वैल्यू भी कम होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो एक्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। अब इस केस में एक्स टू जो है वो लेस देन एक्स वन है, यानी एक्स टू अगर लेस देन एक्स वन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स टू अगर लेस देन एक्स वन है यानी क्यू टू का वैल्यू लेस देन क्यू वन होना चाहिए, तभी तो ऐसा केस आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उससे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, तो जिससे कम दूरी पे होगा उसका उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम ही होगा, और जिससे ज़्यादा दूरी पे होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इस केस में इससे Q2 से कम दूरी पे है, यानी Q2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन मॉड ऑफ Q2 विल बी लेस देन मॉड ऑफ Q1। ये हम दूसरा कंक्लूजन यहाँ से आया। तो डायरेक्टली आपको इसमें लिखना क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन जो हमारे पास है वो है द टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर, यानी Q1 और Q2 जो भी है वो अपोजिट नेचर के होने चाहिए। सेकेंड कंक्लूजन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, मतलब Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2, यानी Q1 चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंक्लूजन हमारे पास आया इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना डिफाइन डाइपोल मोमेंट, मतलब हमें डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता क्या है वो डिफाइन करना है। और इसका जो सेकंड पार्ट है इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक कौन सा क्वांटिटी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नोट करें आप। अब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ टू ए, टू ए डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब ये अपना डाइपोल का डायरेक्शन होगा पी वेक्टर, जो कि पी भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट इसका होगा क्या, डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, मतलब दोनों में से कोई सा भी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर द सेपरेशन बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है अपना डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इसका जो भी लेंथ होगा 2a के बराबर और इसमें से किसी एक का भी प्रोडक्ट वो डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट बताता है। तो डाइपोल मोमेंट को p से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, मतलब दोनों में से कोई सा भी चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, जो कि 2a के बराबर है, तो अपना डाइपोल ये हो जाता है। तो आई होप डाइपोल का मतलब ये जो डिफाइन करना था वो आप अभी समझ गए होंगे, इसका एक बार फिर से आप लोग नोट कर ले, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ईदर चार्ज, मतलब किसी इन दोनों में से कोई सा भी चार्ज का प्रोडक्ट एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ होगा वो होगा। अब डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव चार्ज, या फिर ये भी लिख सकते हैं इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल का डायरेक्शन ये होता है। और एंड डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो इसका डायरेक्शन है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन अपना है ड्रा द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ डिस्टेंस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ड्रा द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ डिस्टेंस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमें एक प्लॉट ड्रा करना है, मतलब हमें एक ग्राफ बनाना है बेसिकली। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है अपना,
और अगर r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू के क्यू ओवर r स्क्वायर के। यानी अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r डिस्टेंस पे देखते हैं तो वो बराबर होता है के क्यू ओवर r स्क्वायर के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है 1 ओवर r स्क्वायर से, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब 1 ओवर r स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, जिस भी टाइप का ग्राफ होगा उसी टाइप का ग्राफ इसका भी बनेगा। तो 1 ओवर r हो या 1 ओवर r स्क्वायर हो या 1 ओवर r क्यूब हो, इस टाइप का ग्राफ जो भी होता है वो समथिंग इस तरह का ग्राफ बनता है। क्योंकि यहाँ पे अगर r जीरो रखें, r जीरो रखने पे अपना जो भी वैल्यू आएगा वो 1/0 यानी जो कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसका वैल्यू समथिंग जीरो पे अगर देखें तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और r अगर इन्फिनिटी रखे तो 1 ओवर इन्फिनिटी इसका वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर r इन्फिनिटी रखते हैं मतलब इधर बढ़ रहे हैं r में, तो ये r होता है और समथिंग ये 1 ओवर r होता है। तो r अगर देखे अगर इन्फिनिटी होता है तो इस केस में जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो इसका भी ग्राफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का ही बनेगा। यानी इस एक्सिस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले एक्सिस पे r अगर देखे तो कुछ इस तरह का ग्राफ अपना बन जाएगा। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, यही अपना सॉल्यूशन है इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट और सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम डाइपोल के बारे में देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन जो भी है। तो इस क्वेश्चन में अब डाइपोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट करें। अब सबसे पहले इसे इसमें हमें समझना क्या है कि अस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस कर पाएंगे, आगे समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, फिर आप देखते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। इस मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा वो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए अभी मतलब फिलहाल के लिए समझने के लिए आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक कटोरा है और इस कटोरा में एक बॉल रखा हुआ है छोटा सा। अब इस बॉल को हम अभी इनिशियली ये रेस्ट पे है, इसको रख के छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस बॉल को यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे ला के अगर इसको छोड़े तो फिर से अपने पोजीशन पे आना चाहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर इधर भी ला के यहाँ पे छोड़े तो फिर से अपने पोजीशन पे आना चाहेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी इसको अपने पोजीशन से थोड़ा भी हल्का भी इधर उधर डिस्प्लेस करे तो अपने पोजीशन पे फिर से आना चाहेगा, वो अपना होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड अनस्टेबल, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इसी कटोरा को हम लोग उल्टा रख देते हैं कुछ इस तरह से, ये कटोरा इस तरह से रखा हुआ है और बॉल इस बार ऊपर रखते हैं। अभी तो बॉल रेस्ट पे है बट अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करें यहाँ पे ला के रख दें तो क्या है, फिर से अपने जगह पे आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, मतलब ये कुछ इधर मूव कर जाएगा और इसको इधर थोड़ा हल्का डिस्प्लेस करें तो इधर लुढ़क जाएगा, मतलब अपने पोजिशन पर फिर से आ ही नहीं सकता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी इनिशियली इक्विलिब्रियम में तो है ही क्योंकि नेट फोर्स जीरो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो है, बट थोड़ा सा पोजीशन में अगर डिस्प्लेस करते हैं इधर उधर उसके कारण अगर वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर वहाँ पोजीशन से दूर ही भाग जाता है तो अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक डाइपोल दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हमारे पास देख लेते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, और एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे। अब डाइपोल को, डाइपोल पे अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो एक इधर माइनस क्यू ले लेते हैं और एक प्लस क्यू ले लेते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा, समथिंग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अब इस पे अगर फोर्स देखें तो इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा होगा क्यू इंटू ई के बराबर, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा होगा माइनस ऑफ क्यू इंटू ई के बराबर। बट अगर डायरेक्शन दिखा दें तो क्यू इंटू ई के बराबर ही लग रहा होगा, यानी ये जो फोर्स है दोनों बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को।
तो फोर्स तो नेट फोर्स तो बैलेंस कर रहा है, यानी अभी इक्विलिब्रियम में है। बट अगर हम इसे थोड़ा डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस इन द सेंस कि अगर इसको थोड़ा थीटा एंगल से, जैसे अभी इस तरह से डाइपोल रखा हुआ, इसको अगर थोड़ा इधर मूव कर दे, स्लाइटली इधर रोटेट कर दे अगर इसको, तो उस केस में क्या होगा? अभी अगर डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, मतलब डाइपोल का भी डायरेक्शन इधर ही है, फर्स्ट केस हमारे पास है कि डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेमी डायरेक्शन में है, तो इस केस में होगा क्या कि मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही पैरेलल हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो नेट फोर्स है वो अपना जीरो आ रहा है। बट अगर हम इसे थोड़ा रोटेट करें, किसी भी स्मॉल एंगल से अगर रोटेट करते हैं, तो उसके बाद फिर सीन कुछ इस तरह का होगा। रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह का सीन हो गया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पे निगेटिव चार्ज माइनस क्यू और समथिंग थीटा एंगल से रोटेट कर दिए हैं। अब इस केस में भी नेट फोर्स समथिंग इधर ही क्यू लग रहा होगा और इस पे नेट फोर्स इधर ही लग रहा होगा क्यू। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक इसके अलॉन्ग, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, यानी ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, ये एंगल थीटा, यानी ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल आ रहा होगा। इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं एंगल को, क्योंकि फिर ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो समझना, मतलब समझ तो जाइएगा यहाँ अगर ग्राफिकली देखें तो, जियोमेट्री वगैरह लगा के। बट इसका कुछ एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, यानी एक फोर्स तो इधर होगा और दूसरा इधर होगा। सिमिलरली इसका भी जो होगा, एक फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा और एक फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा, तो दो कंपोनेंट इसमें भी आने वाला है। यानी अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, और ये जो होगा इसको, ये दोनों जो कपल प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो टॉर्क होगा वो समथिंग क्या होगा, इसको रोटेट करेगा, इधर रोटेट करेगा, यानी इसको फिर से अपने पोजीशन पे हिलाना चाहेगा, मतलब कुछ इस तरह का है। और इस पे टॉर्क जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, यानी फिर से इसको रोटेट करके इस पोजीशन में हिलाना चाहेगा। यानी ये जो टॉर्क होगा वो कुछ इस तरह से फिर से इसको ओरिएंटेशन मतलब इसका चेंज करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में ही। तो ये जो केस हुआ अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ, क्योंकि इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये इनिशियल जो पोजीशन था उसी पोजीशन पे लाना चाह रहा है। बट अब सेकेंड केस देखें, सेकेंड केस में क्या है कि डाइपोल का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डाइपोल का डायरेक्शन समथिंग इस डायरेक्शन में रख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपना इधर है ही, तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। अब यहाँ पे देखें तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स तो इस केस में भी जीरो ही आ रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बट अब होगा क्या, अब हो ये रहा होगा कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें, मतलब रोटेट करें किसी थीटा एंगल से, तो अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दे कुछ इस तरह का सीन बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अब होगा क्या, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर, इस पे एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, यानी इसको समथिंग इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो है अभी डाइपोल का डायरेक्शन समथिंग इस डायरेक्शन में, इधर से इधर की तरफ। बट ये करेगा क्या, ये जो फोर्स ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो जो कपल प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, वो इसको समथिंग इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए और निगेटिव चार्ज इधर आ जाए, मतलब प्लस क्यू इधर आ जाए और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा। यानी अपने पोजीशन जो इसका इनिशियल ओरिएंटेशन था उस पे नहीं लाना चाह रहा है, इसको इसका ओरिएंटेशन चेंज ही बिल्कुल कर देगा, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन इनिशियल इस डायरेक्शन में था, बट इसको रोटेट करके डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट अब इसको हमें क्वेश्चन में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कब हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन दोनों का सेम हो, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। तो अगर दोनों सेमी डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर दोनों एंटी पैरेलल हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से और डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, जहाँ पे ए हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, तो इस केस में एंटी पैरेलल है दोनों। इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ, जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इतना समझने के बाद कि
फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन डाइपोल या पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज जीरो, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ये जो सिंबल होता है उसको एंगल रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो डिग्री, या फिर पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 180 डिग्री और दे आर एंटी पैरेलल, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन जो है अपना वो देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अपना डाइइलेक्ट्रिक पे ही बेस्ड है, कि इस क्वेश्चन में अब है क्या वो एक बार समझते हैं। टू पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर, मतलब दो इक्वल चार्ज हैं जो कि एक मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक मीटर है। एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, वो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा वो 8 न्यूटन का। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम, अब उनके द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। इफ़ दे आर हेल्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, अगर उनको वाटर में सेम ही डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उस केस में नेट फोर्स क्या लग रहा होगा। तो अब सेम वही क्वेश्चन जैसे पिछले में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, कि अगर किसी मीडियम में हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में अगर उसको रख देते हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो हो जाता है एफ अपॉन के बराबर। तो अब देखते हैं, इसको लिख लें आप एक बार। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दिया हुआ है 80 के बराबर, मतलब उसका वैल्यू 80 है। अब आते हैं देखते हैं, दो चार्ज है मतलब सेम मैग्नीट्यूड का ही चार्ज है और उन दोनों के बीच का सेपरेशन समथिंग 1 मीटर था, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे वो 8 न्यूटन के बराबर था, यानी फोर्स इसके इसमें होता के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के, जो कि मतलब बराबर आ रहा है 8 न्यूटन के। इसका तो अभी हमें यूज़ भी नहीं करेंगे, मतलब ये तो फालतू में ही इतना डेटा वगैरह दिया हुआ है, वो तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे बिना ये डेटा दिए हुए, सिर्फ फोर्स का वैल्यू दे देता। तो अब जब इसको हम किसी मीडियम में डालते हैं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समथिंग के होता है, तो उस केस में जो अपना एफ नेट होता है वो डिक्रीज करके एफ जो कूलम्स लॉ से फोर्स आने वाला था अपॉन के हो जाता है, जहाँ पे के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो अब एफ फोर्स ऑन जो मतलब एफ नेट इन वाटर, मतलब वाटर में जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो होगा फोर्स अपॉन 80 के बराबर, चूंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो एफ अपॉन 80, और एफ का वैल्यू अपने पास 8 दिया हुआ है, यानी एफ नेट जो होगा इन वाटर वो बराबर होगा 8/80 के, यानी 1/10 के बराबर होगा, 1/10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा अब वाटर में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो एक हमें राइट या रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हमारे पास जो बताना है सही है या गलत है। तो पॉइंट आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है हमें फाइंड आउट करना है, पॉइंट आउट करना है। अब स्टेटमेंट क्या है, द म्यूचुअल फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यानी किसी भी दो चार्जेस के बीच में म्यूचुअल फोर्स होता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उस पर किसी तीसरे चार्ज को अगर इंट्रोड्यूस करें तो उससे उस पर उन दोनों के म्यूचुअल फोर्स पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं, मतलब अब ये बता रहा है इसमें लिखा है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट सही या गलत है हमें ये पॉइंट आउट करना है, तो इसको आप नोट करें, मैं बताता हूँ फिर। तो अब अगर देखें स्टेटमेंट तो ये सही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मतलब एक आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे नेट फोर्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा, नेट फोर्स अगर मान लेते हैं हम कि दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो Q1 इस Q2 पे चार्ज जो लगा फोर्स लगा रहा होगा समथिंग इस डायरेक्शन में होगा, जो कि बराबर होगा के Q1
Q2 ओवर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R है वो R स्क्वायर के बराबर। अब एक Q3 चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। इस Q3 चार्ज के कारण कुछ फोर्स इधर लगेगा, फोर्स F2, इसको F1 मानते हैं, इसको F2 मानते हैं। F2 जो कि बराबर होगा समथिंग के Q2 Q3 ओवर इसका डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, R1 स्क्वायर के। तो नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ, बट अगर हम देखें तो क्या इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है वो चेंज होगा? वो तो चेंज नहीं होगा। वो क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वो तो यही कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर देखें तो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर ही होना चाहिए इस Q1 के कारण जो फोर्स होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ओवरऑल नेट फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बट इस Q1 चार्ज के कारण इस Q2 चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है वो तो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर ही होना चाहिए। मतलब कूलम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम देखें तो जो फोर्स होता है F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बस इन्हीं दो चीज़ों पे तो डिपेंड करता है किसी भी म्यूचुअल फोर्स अगर देखें किसी भी दो चार्जेस के बीच में, इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी थर्ड चार्ज हो या फिर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीडियम भी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो समथिंग मीडियम के कारण चेंज होता मतलब हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि मीडियम अपना कुछ फोर्स लगाने लगता है किसी भी पॉइंट चार्ज पे, जिसके कारण नेट फोर्स चेंज हो जाता है। बट इन दोनों का म्यूचुअल फोर्स जो होगा वो सेम ही रहेगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर ही। तो इस पे आप लिख सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब यही दो चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। किसी भी थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के म्यूचुअल फोर्स में। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन है क्या। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, जब उसको रखा जा रहा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड से जो उसका एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। मतलब कुछ इस तरह का सीन हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है इस तरह से अगर रखा जा रहा है। तो अब यहाँ तक आ गए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। तो इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो 4√3 न्यूटन मीटर के बराबर लग रहा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ़ इट हैज़ चार्ज ±8 नैनो कूलम। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, एक बार लिख लीजिए आप इसको क्वेश्चन जो भी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका एंगल ये इससे 60 डिग्री का बना रहा है, और इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ±8 नैनो कूलम है। नैनो का मतलब होता है 10^-9। तो अगर देखें चार्ज का मैग्नीट्यूड Q = 8×10^-9 कूलम होगा। अब जो जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2A होता है, यहाँ पर अगर चार्ज -Q है और यहाँ पर अगर +Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का समथिंग सेपरेशन 2A होता है, वो 2A दिया है अपना 4 सेंटीमीटर, यानी 4×10^-2 मीटर। फर्स्ट तो अपने पास ये है। सेकंड आए, सेकंड देखें, सेकंड चीज़ जो अपना दिया हुआ है दो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी θ = 60 डिग्री। थर्ड पॉइंट देखें तो टॉर्क भी अपना दिया हुआ है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो 4√3 न्यूटन मीटर के बराबर दिया हुआ है। फोर्थ देखें तो अपना चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, चार्ज Q = 8×10^-9 कूलम के बराबर। अब आते हैं इन सभी डेटा से हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन को मतलब कैसे प्रोसीड करें। अब हमें एक चीज़ दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट कि अगर कोई भी डाइपोल है, अगर उसे हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
अब वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल के बीच का एंगल अगर समथिंग थीटा है, तो इस पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा वो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई के बराबर, यानी मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ये होता है पी इंटू ई इंटू साइन थीटा के बराबर। मतलब जो भी इसका डाइपोल का वैल्यू होगा, जहाँ पे पी का वैल्यू होता है क्यू इंटू टू ए के बराबर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच का एंगल। अब हमें इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, गिवन में अगर देखें तो हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, टॉर्क इज इक्वल्स टू इतना, पी दिया हुआ है, पी कैसे दिया हुआ है, पी के जगह पे हमें क्यू और टू ए का वैल्यू तो चाहिए, क्यू का वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और टू ए का वैल्यू भी मौजूद है। अब साइन थीटा, थीटा भी यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ पी डॉट ई, मतलब अगर इसको ओपन करें तो डॉट प्रोडक्ट को माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पी पहले से ही मौजूद है, क्यू इंटू टू ए का वैल्यू, क्यू का भी वैल्यू पता है, टू ए का वैल्यू भी पता है, कॉस थीटा, थीटा तो हमें पता ही है 60 डिग्री यहाँ पे। अब हमें ई का वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ से ले आएंगे इस वाले एक्सप्रेशन से। अब यहाँ से कैसे लाएं वो एक बार देखते हैं, इतना आप लोग नोट कर लें। टॉर्क की, टॉर्क मतलब ये होता है और पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। अब आगे देखते हैं, टॉर्क अगर देखें, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू 4√3 न्यूटन मीटर, पी का वैल्यू क्यू, क्यू के जगह पे 8 × 10⁻¹⁹ इंटू टू ए, टू ए का वैल्यू 4 × 10⁻², ये हो गया अपना पी, इंटू ई इंटू साइन थीटा का वैल्यू साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60√3/2 होता है, तो इतना वैल्यू है। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ई इज इक्वल्स टू 4√3 ओवर ये सब, ये सारा टर्म जो भी है 8 × 10⁻¹⁹ इंटू 4 × 10⁻², इंटू √3/2 ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर देखें तो इसका वैल्यू आ जाता है अपने पास 2.5 × 10⁻¹⁹ न्यूटन पर कूलम के बराबर, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, बाकी तो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में अब कुछ करना है नहीं। क्वेश्चन में यू इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, माइनस ऑफ पी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ से ई का वैल्यू समथिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं और बाकी इसको मिटाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ से अब यू देखें, यू इज इक्वल टू पी का वैल्यू माइनस ऑफ पी के जगह पे यही क्यू इंटू टू ए, यानी 8 × 10⁻¹⁹ इंटू टू ए के जगह पे 4 × 10⁻², इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से अपने पास आया 2.5 × 10⁻¹⁹ इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से जो अपना यू आएगा वो माइनस ऑफ 4 जूल के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। दो फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, टॉर्क का फार्मूला पी क्रॉस ई होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस ऑफ पी डॉट ई होता है। तो पी क्रॉस ई को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो पी साइन थीटा के बराबर हो जाता है जो कि टॉर्क आता है अपना, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पी कॉस थीटा के बराबर, माइनस ऑफ पी कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड समथिंग ई है, विथ डाइपोल मोमेंट पी, और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी है, तो इस पी का वैल्यू क्यू इंटू टू ए के बराबर ही होता है, तो हम लोग देख चुके हैं। पैरेलल टू फील्ड, मतलब अब ये जो डाइपोल रखा हुआ है वो फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो डाइपोल का भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो है, जीरो डिग्री है। अब फाइंड, मतलब हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट, द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, किस केस में, जब हम उस डाइपोल को टर्न करके उसके एंटी पैरेलल ले आए। मतलब अभी डाइपोल, अभी का जो सिनेरियो था वो समथिंग दोनों सेम ही डायरेक्शन में था,
बट अब हमें इस डाइपोल को टर्न करके कुछ इस डायरेक्शन में ले आना है। इसमें हमें कितना वर्क डन करना होगा, फर्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। सेकंड, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स मैक्सिमम, मतलब किस ओरिएंटेशन में ये जो डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लग रहा होगा वो मैक्सिमम कब होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट कर ले एक बार। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करना है वो ध्यान रखना है अपने, मतलब हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन होता है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स के, मतलब फोर्स वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, एक ये होता है। दूसरा अगर रोटेशन में जाएं, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, ये तो होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करके कहीं लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ से घसीट करके यहाँ तक ले आए, तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स होता है। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, मतलब कुछ घुमा रहे हैं, इसमें भी तो वर्क हमें करना पड़ा, तो जब रोटेट करना होता है उस केस में वर्क डन जो होता है वो इंटीग्रल टाउ डी थीटा होता है। मतलब जो भी डी थीटा एंगल हम उसे रोटेट कर रहे हैं और उस पर जो टॉर्क काम कर रहा है वो होता है अपना नेट वर्क डन। तो इस वाले फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था और डाइपोल भी इस तरह से ही प्लेस किया हुआ था। अब इसको हम रोटेट करके एंटी पैरेलल, मतलब इधर ले आते हैं, तो इनिशियली इन दोनों के बीच का एंगल थीटा तो 0 डिग्री था, बट जब एंटी पैरेलल रोटेट कर दें तो पी का डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी का इधर हो गया, यानी इस केस में 180 डिग्री होगा। यानी थीटा 1 अगर देखिए, थीटा इनिशियल 0 डिग्री था, थीटा फाइनल अपना 180 डिग्री आएगा। तो अब यहाँ से हम नेट वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। नेट वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रल थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल टॉर्क डॉट डी थीटा। अब टॉर्क अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं, नेट टॉर्क जो होता है वो पी ई साइन थीटा के बराबर होता है किसी भी डाइपोल के केस में। अब इस टॉर्क के जगह पे वही रखेंगे पी ई साइन थीटा, थीटा इनिशियल अपना 0 डिग्री और थीटा फाइनल 180 यानी पाई के बराबर, यानी 0 to π इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब पी ई तो कांस्टेंट ही है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, प्लस डाइपोल का वैल्यू पी इज इक्वल टू 2 q into 2a के बराबर ही होता है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और पी का भी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी पी ई कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बराबर होगा पी ई इंटू इंटीग्रल 0 to π साइन थीटा डी थीटा के। अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें, मतलब इसको मैं मिटाता हूँ अभी, तो इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो जो अपना नेट वर्क डन होगा वो होगा पी इंटू ई इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to π। लिमिट पुट करने पे इसका वैल्यू होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस ऑफ जीरो। तो इसका वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे लिमिट कॉस ऑफ जी माइनस ऑफ कॉस ऑफ जीरो यहाँ पे होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बट मतलब ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये अपना आ जाने वाला है लिमिट। अब इसका वैल्यू माइनस कॉस पाई का वैल्यू तो इनिशियल मतलब देखे तो माइनस वन होता है और एक आगे माइनस साइन है, यानी माइनस ऑफ माइनस वन माइनस माइनस वन इसका वैल्यू पी ई इंटू इतना, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 times PE आ जाएगा अपना। तो जो हमें पैरेलल से एंटी पैरेलल रोटेट करने में जो भी नेट वर्क डन होगा वो 2 PE के बराबर होगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, मतलब कुछ करना है नहीं, बट सोचना यह था स्टार्टिंग में कि हमें अगर रोटेट करना है तो थीटा इनिशियल क्या होगा, थीटा फाइनल क्या होगा, और टॉर्क का वैल्यू तो हम जानते ही हैं, टॉर्क का वैल्यू होता है पी ई साइन थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके डी थीटा के साथ इंटीग्रेट कर दे थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, तो अपना नेट वर्क डन आ जाएगा। सेकंड केस है अपने पास, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का वो था कि किस ओरिएंटेशन में नेट टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब आते हैं नेट टॉर्क वाले फार्मूला पे। नेट टॉर्क जो होता है वो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा के बराबर होता है। अब पी तो कांस्टेंट ही है, तो हमें साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा, तभी उसी केस में तो हम यहाँ टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम ला सकते हैं। तो टॉर्क मैक्सिमम जो होगा वो साइन थीटा का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकता है, जो कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे होगा।
तो टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू, जो कि टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो पी के बराबर होगा जब वो थीटा पाई बाई टू होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और डाइपोल का डायरेक्शन इधर, तब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन का, मतलब जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन हो गया। यानी व्हेन थीटा विल थीटा इज पाई बाई टू देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, मतलब जब थीटा पाई बाई टू होगा उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अ स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। तो अब क्वेश्चन में है कि एक मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है जो कि किसी भी मतलब कंडक्टिंग प्लेट के विसिनिटी में रखा हुआ है। अब हमें दोनों का फील्ड लाइंस किस तरह से बन रहा होगा वो बनाना है। तो इस क्वेश्चन को लिख ले आप एक बार, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। अब सीन कुछ इस तरह का है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और नीचे जो है एक कंडक्टिंग प्लेट रखा हुआ है अपना, कुछ इस तरह का प्लेट होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे सीन समझते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण अब यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर, मतलब इसमें जो भी इस सीट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो क्या करेंगे कि उन पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इस क्यू के कारण, इस क्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी मौजूद होगा यहाँ पे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे इस सीट में इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा इन सभी को। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर मूव करेंगे तो इस केस में होगा क्या कि जो भी पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। ऊपर देखे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा और नीचे में देखे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खाली हो चुका है, खाली होकर ऊपर चला गया सभी इलेक्ट्रॉन्स, तो नीचे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया है। तो इधर अगर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे समथिंग प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब होगा क्या कि यहाँ से जो फील्ड लाइन होगा वो निकल रहा होगा इससे बाहर की तरफ, और चूंकि ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसमें आके एंटर कर रहा होगा और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज से समथिंग बाहर निकल रहा होगा। तो अब क्या करें, उस टाइप से मतलब बना लेते हैं, यहाँ से समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, निगेटिव चार्ज की तरफ, फिर इसी तरह से यहाँ पे आके यहाँ पे, अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलरली आके मीट करेगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक समथिंग कुछ इस तरह से आएगा 90 डिग्री पे, यहाँ से फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, उसी तरह से यहाँ से भी फील्ड लाइन कुछ इस तरह से और यहाँ से फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। इसको आपको ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है, वैसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। फिर सिमिलरली यहाँ से कुछ इस तरह से चला जाएगा, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब नीचे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो ओवरऑल डायग्राम अगर देखें तो अपना कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पे आके इंटर करते हैं, बाकी ये जो भी मतलब चार्ज का इंडक्शन वगैरह, जो चार्ज इंड्यूस हो चुका है उसके कारण वहाँ से निकलेगा और इसमें इंटर कर जाएगा। तो वही केस था, मतलब इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th क्वेश्चन जो अपना है वो, अब उस पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, मतलब हमें एक ग्राफ बनाना है जिसमें y एक्सिस पे अपना फोर्स होगा और x एक्सिस पे मतलब फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ बनाना है। वेयर r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस 1 μC 2 μC एंड 1 μC 3 μC। तो हमें ग्राफ बनाना है फोर्स वर्सेस 1/r² का, जहाँ पे r उन दोनों के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस है और दो पेयर ऑफ चार्ज हमें दिए गए हैं। फर्स्ट जिसका मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 μC और 2 μC है, और सेकेंड पेयर का मैग्नीट्यूड 1 μC 3 μC के बराबर है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लें आप। तो अगर किसी भी
दो चार्जेस के बीच में अगर कूलम फोर्स जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, उसका वैल्यू अगर देखें हम तो वो बराबर होता है एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पे फोर्स वर्सेस वन ओवर आर स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू इंटू वन ओवर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फोर्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे है तो इस ये कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग एम एक्स टाइप का। क्यों? क्योंकि एक्स के जगह पे वन अपॉन आर स्क्वायर है, हम एक्स एक्सिस पे वन अपॉन आर स्क्वायर ही तो पुट करना है, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बनाना है वन अपॉन आर स्क्वायर और वाई एक्सिस पे अपना फोर्स होगा, तो कुछ इस तरह का मतलब हमारे पास ग्राफ बनाना है। तो एक्स एक्सिस के जगह पे इसके जगह पे एक्स लिख सकते हैं और ये वाई हो गया अपना, यानी वाई इज इक्वल्स टू समथिंग के क्यू वन क्यू टू इंटू एक्स के बराबर आ रहा है, मतलब वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप ग्राफ आ रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका ग्राफ अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, वाई ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस और वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे ये एंगल थीटा होता है और यहाँ पे एम जो होता है अपना टैन थीटा के बराबर होता है, एम जिसको स्लोप भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्ज था, फर्स्ट मतलब टू पेयर ऑफ चार्ज मौजूद था, फर्स्ट वन माइक्रो कूलम और टू माइक्रो कूलम। तो अब यहाँ पे भी ग्राफ जो इसका होगा अगर देखें फोर्स वर्सेस वन अपॉन आर स्क्वायर का, तो वो ग्राफ समथिंग स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये हो गया अपना फोर्स, ये हो गया वन ओवर आर स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू इंटू वन ओवर आर स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे ये थीटा होगा और यहाँ पे टैन थीटा जो कि स्लोप है वो बराबर होगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू के। अब के तो कॉन्स्टेंट ही है तो यहाँ पे स्लोप जो टैन थीटा है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू वन इंटू क्यू टू के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो भी होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उस पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टैन थीटा, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो भी प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा। अब देखते हैं फर्स्ट जो हमारे पास था वो कुछ इस तरह का था, फर्स्ट है 1.2 माइक्रो कूलम और सेकेंड था 1.3 माइक्रो कूलम। तो अगर इसका प्रोडक्ट देखें तो इसका प्रोडक्ट समथिंग 2 के बराबर आएगा और इसका प्रोडक्ट 3 के बराबर आ रहा है, यानी इस वाले पेयर का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर हम ग्राफ बनाएं फोर्स वर्सेस 1/r² का, तो इसका ग्राफ एक का ग्राफ कुछ इस तरह से, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से, एक का स्लोप इसका स्लोप कम है तो ये वाला 1 μC, 2 μC वाला होगा और ये जो ग्राफ होगा अपना 1 μC, 3 μC का ग्राफ होगा, तो ये दोनों ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या हम लोग यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर से फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी देख लिए, मतलब फोर्स जो होगा वो समथिंग के क्यू वन क्यू टू इंटू वन ओवर आर स्क्वायर आ गया, यानी ये समथिंग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप ग्राफ आ गया, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा जहाँ पे एम स्लोप बताएगा टैन थीटा और टैन थीटा वेरी कर रहा है किस पे, के क्यू वन क्यू टैन थीटा का वैल्यू के इंटू क्यू वन क्यू टू क्यू वन इंटू क्यू टू के बराबर है, जहाँ पे के तो कॉन्स्टेंट ही है तो बेसिकली टैन थीटा जो है वो वेरी करेगा क्यू वन क्यू टू के, जो भी प्रोडक्ट क्यू वन क्यू टू का होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा यानी टैन थीटा का वैल्यू ज़्यादा यानी स्लोप ज़्यादा, तो उस हिसाब से इन दोनों का हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है वो देख लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू विथ पोजिशन वेक्टर आर वन एंड आर टू एट ए पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑरिजिन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है, फाइंड आउट करना है, जहाँ पे मतलब दो पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, एक आर वन पोजिशन वेक्टर चार्ज क्यू वन का पोजिशन वेक्टर है, मतलब रीजन में दो चार्ज रखा हुआ है क्यू वन और क्यू टू जिनका पोजिशन वेक्टर आर वन एंड आर टू है, और किसी जनरल पॉइंट आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन दोनों चार्जेस के वजह से। तो देखते हैं उसको निकालते हैं, इसको क्वेश्चन को नोट कर लें आप एक बार।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सीन क्या हो रहा है वो सीन समझते हैं। सीन है अपना ये, कुछ ओरिजिन है अपना ओरिजिन, यहाँ से किसी r1 पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट चार्ज q1 रखा है, दूसरा यहाँ से किसी r2 पोजीशन वेक्टर पे पॉइंट चार्ज q2 रखा है, और यहाँ से किसी भी जनरल पॉइंट r, एक पॉइंट है r पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन दोनों के वजह से। अब देखते हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सभी चार्जेस को पॉजिटिव ही अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अगर कुछ वैसा निगेटिव होगा तो साइन से मतलब बैलेंस हो जाते हैं, मतलब हमें साइन का उतना ज़्यादा ध्यान रखना होता नहीं है, वो साइन खुद ही एडजस्ट कर लेता है, मतलब साइन के साथ अगर चार्जेस ले ले तो अब इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा कुछ E1 वेक्टर मान लेते हैं इसको, और इस Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा जो कि समथिंग E2 मान लेते हैं। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे होगा वो होगा E नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू सुपर पोजिशन, अगर लगाए इस पॉइंट पे तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगाने पे। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है E1 वेक्टर क्या है और E2 वेक्टर क्या है, तो चूंकि हमें फार्मूला तो पता ही है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो कि r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर, ये फार्मूला हमें पता है। अब इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे, बट अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का भी एक करना है, ख्याल रखना है क्योंकि वेक्टोरियली हमें बताना है इसमें। तो अगर देखें कुछ ये वाला पहले ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल में ये वेक्टर अपना आर वन वेक्टर है और ये वाला वेक्टर जो है वो समथिंग आर वेक्टर है, और इस वेक्टर मतलब कुछ कोई सा भी वेक्टर इसको अभी हम लोग किसी आर थ्री वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वन इसका डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होने वाला है, तो इसका ये वाला डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं, देखिए तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है, क्यों? क्योंकि ये दो हेड और दो टेल के बीच में है। रिजल्टेंट कभी भी देखना हो तो आप ऐसा देखिए जो दो एरो और दो मतलब टेल जहाँ पे मिल रहे हैं वही रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे अपना आर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वेक्टर प्लस आर थ्री वेक्टर। अब हमें आर थ्री वेक्टर फाइंड आउट करना है, आर थ्री वेक्टर क्या होगा, आर थ्री वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, तो इसका वेक्टर ये जो है ये हमें पता चल गया आर थ्री माइनस आर वन वेक्टर, सॉरी आर माइनस आर थ्री वेक्टर, ये वाला वेक्टर हमें पता है। अब इस वाले वेक्टर का ये वेक्टर आया अपना ये वाला वेक्टर, अब इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं एक बार, इस वाले ट्राइंगल में अपना ये हो गया आर वेक्टर, ये समथिंग आर टू वेक्टर है, और इसके अलॉन्ग मतलब इसी के अलॉन्ग तो नेट फोर्स है अपना, इसको अभी आर फोर वेक्टर मानते हैं। अब यहाँ पे भी देखें तो रिजल्टेंट यही आ रहा है, तो इस केस में भी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर प्लस आर फोर वेक्टर लिख सकते हैं, यानी आर फोर वेक्टर जो अपना आया वो आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर आ गया। तो ये जो इसका वेक्टर अगर वेक्टोरियल मतलब ये देखें इसका जो वेक्टर फॉर्म में जो भी इसका वैल्यू है वो होगा आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गया है इन दोनों को यूज करके, इसको आप नोट कर ले चाहे तो एक बार। अब ये जब हमें पता चल गया है तो इसका अगर यहाँ से इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखें, यानी इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मॉड ऑफ आर माइनस आर टू होगा यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मॉड ऑफ आर माइनस आर वन वेक्टर होगा, ये अपना हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन कैलकुलेट करते हैं, ई वन क्या होगा के क्यू वन ओवर यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस यानी मॉड ऑफ आर माइनस आर वन वेक्टर का होल का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन भी डायरेक्शन किस वेक्टर के अलॉन्ग, इस वाले वेक्टर के अलॉन्ग में, मतलब आर माइनस आर वन इस वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब अब हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना है तो इसको अभी समथिंग कुछ मतलब इसको अभी मिटाते हैं, इस वाले वेक्टर को कुछ हम आर थ्री वेक्टर मान ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर थ्री कैप के डायरेक्शन में यही तो होगा। अब आर थ्री कैप को कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लेना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी आर थ्री कैप को अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे आर थ्री वेक्टर ओवर मॉड ऑफ आर थ्री वेक्टर, मॉड ऑफ आर थ्री वेक्टर तो इसी के बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ही आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर माइनस आर वन वेक्टर।
तो यहाँ से स्क्वायर में एक और मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यानी ई1 का वैल्यू जो आया अपने पास वो हो गया के क्यू Q1 ओवर R माइनस R1 वेक्टर का होल का क्यूब इंटू R माइनस R1 वेक्टर। ये अपना E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया। सिमिलरली E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करें तो वो किसके बराबर होगा, वो भी इसी फॉर्मूला से, मतलब अपना आ जाएगा E2 इज इक्वल टू के Q2 ओवर R माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R माइनस R2 वेक्टर। ये अपना E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड आउट करें जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा ई नेट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर देखें तो ई नेट अपना आएगा ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, कुछ इस तरह से आएगा। अब इन दोनों का जो भी सम होगा वो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्टेंट अगर देखें तो अपने पास क्या आने वाला है, इसको मैं आप लोग नोट कर ले एक बार, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। जो भी रिजल्टेंट अपना आ जाएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी E1 वेक्टर का वैल्यू के Q1 ओवर R माइनस R1 का होल क्यूब, मतलब मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R माइनस R1 प्लस यहाँ से E2 वेक्टर के Q2 ओवर R माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R माइनस R2 वेक्टर। ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो यही अपना इसका सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में कैसे क्या करें। अगर आपको नेट फोर्स भी कैलकुलेट करना हो तो इसी तरह से उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी यही करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो अपना 14th क्वेश्चन होगा, उस पे आते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ क्यू कूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर 3 मीटर 9 मीटर एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस को रखा गया है एक्स एक्सिस के अलोंग, जिनका मतलब मैग्नीट्यूड समथिंग क्यू कूलम है, और उनका पोजिशन देखें तो फर्स्ट चार्ज है 1 मीटर पर रखा हुआ है, पोजिशन वेक्टर मतलब पोजिशन उसका 1 मीटर है, सेकेंड चार्ज 3 मीटर, थर्ड चार्ज 9 मीटर पर एंड सो ऑन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन पे हमें x इज इक्वल टू 0 पे इन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दीज चार्जेस इफ़ ऑल द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। अगर ये सभी चार्जेस सेम साइन के हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। तो अब यहाँ पे एक बार सीन समझते हैं। हमारे पास एक ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ओरिजिन हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 9 पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें इन सभी के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हम करेंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ई नेट अगर किसी भी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है वो वेक्टोरियल सम होता है E1 वेक्टर, मतलब जो भी पॉइंट उस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा उन सभी का वेक्टोरियल फॉर्म, यानी ई नेट विल बी इक्वल टू ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स मौजूद मतलब प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, उन सभी का वेक्टोरियल सम होगा ई नेट। तो अब यहाँ से आते हैं, देखते हैं, अब हम देखें इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 समथिंग वो बराबर होगा के क्यू ओवर 1 स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा वो बराबर होगा के क्यू ओवर 3 स्क्वायर। E3 देखें, E3 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9 मीटर है, यानी ये बराबर होगा के क्यू ओवर 9 स्क्वायर, यही तो होगा। तो अगर ई नेट देखें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से, तो ई नेट अपना क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3,
क्यों? क्योंकि सभी सेम साइन के ही हैं, यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे उसका डायरेक्शन इधर होगा, इस वाले के कारण देखे तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, इस वाले के कारण भी डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होने वाला है, सभी ऐड हो जाएंगे, सभी का समेशन होने वाला है। तो यहाँ पे E1 E2 प्लस E3 देखें, यानी E नेट जो होगा वो होगा के क्यू ओवर 1 प्लस के क्यू ओवर 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस के क्यू ओवर 9 का स्क्वायर 81 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते गए। यानी E नेट अगर देखें तो के क्यू को अगर कॉमन लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 81 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पे एक मतलब जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म ए जो है अपना वो 1 है और कॉमन रेशियो 1 अपॉन 9 है, क्योंकि 1 में 1 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड टर्म 1 अपॉन 9 आया, अब इसमें 1 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म 1 अपॉन 81 आया। सिमिलरली मतलब देखें तो यहाँ पे एक जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 1 है और कॉमन रेशियो 1 अपॉन 9 है। तो इनफाइनाइट सम हम जीपी में पढ़ चुके हैं, इस इन्फिनिटी जो होता है वो ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होता है, इनफाइनाइट सम जो भी होता है वो कुछ इसके बराबर होता है, जहाँ पे आर का वैल्यू 1 से छोटा होता है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 से छोटा होता है, तभी इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पे है भी वही केस, आर का वैल्यू 1 अपॉन 9 है जो कि 1 से छोटा है और ए का वैल्यू 1 है, तो अगर इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म यानी एस इन्फिनिटी अगर देखें तो इसको अगर मिटाऊं तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो अपना ई नेट होगा वो बराबर होगा किसके, के क्यू इंटू इसका समेशन, इसका समेशन देखे 1 ओवर 1 माइनस 1 बाई 9 का फॉर्मूला यूज कर, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद तो इसका वैल्यू अगर देखे तो ये हो गया ऊपर 9 चला गया 9 8, यानी 9/8 इंटू के क्यू आ गया, यानी ई नेट जो अपना आएगा वो इस केस में 9 KQ/8 के बराबर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना था, मतलब ये जो इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी होता है वो फार्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये होता है बराबर 1 a/(1 - r) के, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो इस केस में 1/9 था, इसलिए 1 अपॉन 1 - 9 के हम लोग जहाँ से इसका वैल्यू आ गया, मतलब ये जो समेशन इनफाइनाइट सम यहाँ पे आ रहा है उसका वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाए हम लोग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना 15th क्वेश्चन होगा। तो आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही रिलेटेड है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप थोड़ा अच्छे से कवर करके जाएं, मतलब उसको थोड़ा सही से कर लें ताकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली कर सको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द फर्स्ट इक्वेटोरियल पोजिशन सेकेंड एक्सियल पोजिशन, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजिशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब किसी भी फील्ड मतलब किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज और इन दोनों के बीच का सेपरेशन समथिंग 2a होता है, तो इसके कारण एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब ये वाला पोजीशन हो गया और इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहाँ पे किसी r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो फाइंड आउट करना है। और इसका सेकेंड पार्ट है ड्रॉ ग्राफ ऑफ e वर्सेज r फॉर बोथ द केसेज, मतलब दोनों ही केसेज में e वर्सेज r का ग्राफ हमें बनाना है, तो इससे हम लोग समझ लेते हैं एक बार। आते हैं अब देखते हैं, हमारे पास एक डाइपोल मौजूद है जहाँ पे चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, मतलब ये जो सेंटर है सेंटर से इसका डिस्टेंस समथिंग a होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस समथिंग a है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सियल पोजीशन पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ से समथिंग r डिस्टेंस पे, मतलब इसके सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एक तो इस पॉइंट चार्ज के कारण, दूसरा इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव चार्ज है
तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई वन समथिंग इधर होगा, या फिर ई पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। और इस निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, जिसको ई निगेटिव बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ का ओवरऑल डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस हमें पता करना है तो आर माइनस ए कर दें, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ गया। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो ये होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर, और इसमें ए अगर ऐड कर दें तो ये वाला डिस्टेंस अपना आर प्लस ए आ गया है। अब ई पॉजिटिव हम देखें, ई पॉजिटिव क्या होगा अपना, के क्यू ओवर आर माइनस ए का होल का स्क्वायर, यही तो होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ का सेपरेशन आर माइनस ए है। और ई निगेटिव देखें तो ये बराबर होगा के क्यू ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि ई पॉजिटिव जो होगा वो डोमिनेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन आर स्क्वायर से किसी भी पॉइंट चार्ज के केस में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण ज़्यादा होने वाला है, यानी ई नेट अगर देखें तो ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव के बराबर होने वाला है, जो कि बराबर होगा के क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू ओवर आर प्लस ए का होल का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसमें एक स्पेशल केस दिया हो जाता है। उस स्पेशल केस में होता क्या है कि आर का वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ए से, या फिर लेंथ ऑफ डाइपोल से, जो भी डाइपोल का लेंथ होगा उससे बहुत बड़ा होता है आर का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें कुछ स्मॉल मतलब अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसको के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ई नेट आई होप ए तो आप नोट कर लो, ये जो है बस इतना ही है, इसको आप नोट कर ले, उसके बाद फिर आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अब जो अपना ई नेट होगा वो ई नेट बराबर होगा किसके, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन आर माइनस ए का होल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल का स्क्वायर। अब इसको एल सी एम लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसके जगह पे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा माइनस इसके जगह पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू इंटू इसके जगह पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस इसके जगह पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस टू ए आर ओवर, यहाँ पे नीचे में देखें तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इन दोनों को मतलब साथ में लेके होल का स्क्वायर। ये अपना आ गया, यहाँ से देखें आर स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म खत्म हो रहा है, यानी जो ई नेट अपना आ रहा है, ई नेट इस केस में जो भी अपना आ रहा है वो आ रहा है समथिंग के क्यू इंटू टू ए सॉरी फोर ए आर, एक टू यहाँ पे एक टू यहाँ पे फोर ए आर ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन था वो आर इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन ए है, तो इस केस में आर स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर का वैल्यू तो बहुत ही छोटा होगा, मतलब पिद्दी सा वैल्यू होगा। अब इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के सामने, क्यों, क्योंकि आर समथिंग अगर 15 ले लेते हैं तो ए का वैल्यू समथिंग 0.0000001 है, तो अगर 15 का स्क्वायर देखे तो 225 होता है, बट ए का स्क्वायर अगर इसका देखे तो समथिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 10^-6 है, तो इसका अगर स्क्वायर ले 10^-12 आ जाएगा, मतलब इसके सामने तो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसमें से समथिंग अगर इतना सब ट्रैक्ट भी कर दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये उस तरह का हो गया कि समुद्र में से एक मतलब चुल्लू भर का जल निकाल रहे हैं, तो इस तरह का सीन हो गया, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, तो अपने पास ये आ क्या जाएगा यहाँ पे के क्यू इंटू फोर ए आर ओवर, इसको निगलेक्ट कर देने तो आर की पावर 4, एक आर से एक आर खत्म हुआ तो यहाँ पे आर की पावर 3 आ जाएगा, यानी ई एक्सियल पोजिशन पर अगर देखें तो अपना आ गया के 2 इंटू क्यू इंटू 2 ए लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें पी का वैल्यू पता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 ए होता है, तो यहाँ से इसके जगह पे पी लिख सकते हैं ओवर आर क्यू, यानी ई एक्सियल जो अपना आ गया वो हो गया 2kp ओवर आर क्यू के बराबर, कुछ इस तरह का एक्सियल पोजीशन पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आई होप इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक बार देख लेते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी कुछ इसी तरह से करना है, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, फिर उससे आ जाएगा वहाँ पे भी।
तो यहाँ पे अपना कुछ इस तरह का डाइपोल हुआ, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का सेपरेशन समथिंग 2a है। ये सेंटर हो गया, सेंटर से समथिंग r डिस्टेंस पे, ये अपना r डिस्टेंस हो गया। इस r डिस्टेंस पे, इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस निगेटिव चार्ज के कारण देखें, तो इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ई निगेटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समथिंग इस डायरेक्शन में होगा, जिसको ई पॉजिटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो हमें ए पता है और यहाँ से यहाँ का लेंथ भी आर पता है। इस एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये दोनों चूँकि यहाँ पे देखे तो करस्पोंडिंग एंगल है, तो ये एंगल थीटा है, यानी ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो कुछ इस तरह का सीन बना। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट तो इधर की तरफ ई पॉजिटिव साइन थीटा, और सेकेंड कंपोनेंट इधर की तरफ ई पॉजिटिव कॉस थीटा। अब इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर है, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक तो इधर की तरफ ई निगेटिव साइन थीटा और दूसरा इधर की तरफ ई निगेटिव कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, क्यू क्यू ही है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी दोनों का सेम ही है। तो ई का मैग्नीट्यूड मतलब ई पॉजिटिव और ई निगेटिव का मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और आर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, वो सेम ही होगा। तो ई साइन थीटा, ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई निगेटिव साइन थीटा, ये दोनों तो आपस में बैलेंस करेंगे, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं आएगा, बट एक्स डायरेक्शन में अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में, जो कि बराबर होगा किसके, ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई निगेटिव कॉस थीटा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो इसको लिख सकते हैं 2e into cos थीटा। अब e का वैल्यू क्या होगा, e का वैल्यू होगा kq over r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे r नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस है, ये a है, ये a है, ये r है, तो इसका वैल्यू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू अगर देखें तो 2 into e के जगह पे kq over a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ से फाइंड आउट करें, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस ए के बराबर है ओवर हाइपोटेनियस, यही रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपना कुछ इस तरह का आ गया। यानी ई नेट जो अपना आया इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो है 2kqa ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपना इक्वेटोरियल पोजीशन पे ई नेट आ चुका है। अब सेम केस यहाँ पे भी ए स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे आर स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि वही ए बिंदी सा आर के सामने, तो ई नेट अपना जो आ जाएगा वो हो जाएगा क्यू इंटू टू ए को तो हम लोग पी यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करेंगे, के पी ओवर आर स्क्वायर मतलब आर क्यूब आ गया यहाँ से, तो ई नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो अपना आया वो के पी ओवर आर क्यूब आया। यानी हमारे पास अगर कोई डाइपोल मौजूद है तो उसके कारण जो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे जो भी अपना नेट फील्ड आया वो कुछ इस तरह का आया, ए माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज, एक्सियल पोजीशन पे देखे समथिंग यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो इस पे ई एक्सियल अपना आया 2kp ओवर आर क्यूब के, और समथिंग इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखे तो इस डायरेक्शन में मतलब डाइपोल का डायरेक्शन अगर ये है तो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में के पी ओवर आर क्यूब के बराबर, मतलब माइनस अगर लगा दे तो कुछ इस तरह का आ गया, ये ई इक्विटोरियल आ गया। तो अपना डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं इसका कैसे क्या डिराइव करना है। अब अगर देखें एक्सियल हो या इक्विटोरियल हो, दोनों ही वन अपॉन ई जो है ई एक्सियल वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, और ई इक्विटोरियल जो है वो भी 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो समथिंग इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में भी, तो ग्राफ दोनों ही केसेस में मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही केसेस में इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना वो देख लेते हैं एक बार। तो अब नेक्स्ट और आखिरी सवाल जो अपना है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, वो अपना ये सवाल है।
मतलब इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि सभी मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड, मतलब इन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल वगैरह आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, वो सब मैं देने का कोशिश किया हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं के भी। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए, मतलब एक रिंग है जिसका रेडियस ए है और उस पर कि कोई चार्ज मतलब समथिंग कैपिटल क्यूब चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओबटेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, मतलब अब रिंग के एक्सिस पे किसी भी एक्सिस, मतलब रिंग का जो एक्सिस है उस एक्सिस पे समथिंग एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मौजूद है और उस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। नेक्स्ट, हेंस सो दैट फॉर पॉइंट एट लार्जर डिस्टेंसेस, मतलब अगर वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर होगा एक्सिस पे तो उनके लिए फ्रॉम द रिंग, मतलब रिंग से बहुत ही ज़्यादा अगर दूर है, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो जो रिंग होगा उस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो देखते हैं इसको करते हैं। अब सीन कुछ इस तरह का है, अपने पास एक रिंग है यहाँ पे जिस पे चार्ज कैपिटल क्यू मौजूद है और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसका रेडियस कुछ कैपिटल आर है। अब इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ए रेडियस जो हो गया अपना कैपिटल आर हो गया। अब इस पॉइंट पी पे इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखें ये छोटा सा एलिमेंट डी क्यू, मतलब अब एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो कि डी एक्स लेंथ का होगा, डी एक्स या डी एल लेंथ का जो भी होगा। अब इस डी एक्स लेंथ पे जो चार्ज होगा वो समथिंग डी क्यू चार्ज मौजूद होगा। अब चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये डी क्यू चार्ज का उतना हमें टेंशन लेना है नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि आप कहीं भी कोई भी क्रॉस सेक्शन कट करें सेम लेंथ का तो आपको उतना ही चार्ज मिलने वाला है। तो इस जो डी एक्स एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो समथिंग डी क्यू चार्ज होगा। अब ये जो डी क्यू चार्ज है इस डी क्यू चार्ज के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा जिसको हम लोग डी इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं। ये एंगल समथिंग थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल थीटा ही होगा। ये तो अपना हो गया। अब हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो ठीक इसके सामने पॉइंट चार्ज डी क्यू मौजूद होगा, मतलब डी एक्स लेंथ का ये भी जो डी क्यू चार्ज मौजूद होगा उसके कारण भी एक समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा यहाँ से, ये भी डी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब अगर देखें इसका अगर कंपोनेंट ले, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, एक तो इस डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा जो कि डी ई एक्स होगा और एक इस डायरेक्शन में डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट अगर ले, मतलब जो ठीक इसके सामने मौजूद होगा वो एक दूसरे के वाई कंपोनेंट को कैंसल आउट कर रहा होगा। कैसे, यहाँ पे इसका भी कंपोनेंट एक डी ई कॉस थीटा होगा और इधर डी ई साइन थीटा ही होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो डी ई वाई जो होगा यहाँ इस केस में तो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा खत्म ही हो गया। तो जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला, मतलब हम इसको लेंगे नहीं, लेना तो है बस एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब ये जो लास्ट छोटा सा एलिमेंट है इसको, मतलब इसका यूज़ हम लोग इसलिए किए ताकि हमें पता चल सके कि वाई कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है, बट एलिमेंट हम यही कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें y डायरेक्शन में तो कुछ अब कैलकुलेट करना है नहीं। तो डी ई एक्स अगर देखें, डी ई एक्स अपना होगा, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल डी ई फाइंड आउट करते हैं, डी ई का वैल्यू होगा क्या, के डी क्यू, मतलब ये जो डी क्यू चार्ज इस पर होगा ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी के डी क्यू ओवर ए वाला डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना डी ई आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं डी ई एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, यानी डी ई का वैल्यू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए इस वाले ट्राइंगल में हम लोग एक बार आते हैं, ये ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर ये ट्राइंगल हो गया जहाँ पर ए वाला रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स है और ये वाला जो है अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और ये एंगल थीटा है अपना। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू देखें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस एक्स और हाइपोटेनियस इतना। तो इसका वैल्यू अगर डी ई एक्स देखें,
dEx इज इक्वल टू k dQ ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू cos थीटा का वैल्यू x ओवर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें नीचे में वही टर्म है तो इसका पावर 1 प्लस 1 बाई टू यानी पावर 3 बाई टू हो जाएगा, यानी dEx जो अपना आ रहा है dEx इज इक्वल टू k dQ इंटू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना dEx आया, मतलब x डायरेक्शन में इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dEx इतना आया। अब हमें ओवरऑल चार्ज के कारण, मतलब इस पे जो भी चार्ज मौजूद है उन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यानी अगर ex देखें तो ex क्या होगा अपना, ex इज इक्वल टू इंटीग्रल dEx होगा, यही तो होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन kx dq ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो x का वैल्यू भी, x भी कांस्टेंट ही है, क्यों, क्योंकि x तो समथिंग डिस्टेंस दिया हुआ है तो x का वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये जो रेडियस ऑफ रिंग होगा r भी कांस्टेंट है, मतलब ये और k भी कांस्टेंट है, तो ये सभी टर्म तो कांस्टेंट ही है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट अगर करना है तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले आएंगे, यानी ex जो होगा अपना वो kx ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रल dq आ गया। अब इस इंटीग्रल dq का मतलब क्या हुआ, इस छोटे छोटे सभी dq dq चार्ज को मतलब ऐड कर दे तो ये रिंग पे जो ओवरऑल चार्ज क्यों मौजूद होगा वही तो आ जाएगा, तो बस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यही आ जाएगा, dq के जगह पे नेट q लिख देंगे इंटीग्रल dq के जगह पे, तो अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके कारण वो समथिंग कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ एक बार थोड़ा, तो इसको जो नेट x डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ex इज इक्वल टू के क्यू एक्स ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 x डायरेक्शन में, और ey तो अपना जीरो था ही, ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही। अब जो नेक्स्ट इसका पोर्शन, मतलब नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि अगर ये x बहुत ही लार्ज हो जाए, मतलब बहुत ही बड़ा हो जाए, मतलब x अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस केस में r को फिर हम निगलेक्ट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी x इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन r होगा, क्योंकि x इस केस में 15 वाला वैल्यू आ गया और r 0.0000 मतलब जो भी हो 10^-6 वाला वैल्यू आ गया, तो इस केस में r को इग्नोर करेंगे। तो r को जब इग्नोर करेंगे व्हेन x इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन r, या फिर x इज, मतलब जो सेकेंड पोर्शन था, सेकेंड पार्ट था अपना क्वेश्चन का, उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ई एक्स इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू एक्स ओवर, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी एक्स क्यूब नीचे में आया, एक्स क्यूब नीचे में आया, इससे एक से एक खत्म हो गया, यानी एक्स स्क्वायर नीचे में आ गया, यानी ओवरऑल वैल्यू देखें तो के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये जो होता है वैल्यू, मतलब के ओवर एक्स स्क्वायर किसी पॉइंट चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पे होता है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, हेंस रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर ग्रेटर एक्स, फॉर ग्रेटर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये जो सभी क्वेश्चंस वगैरह थे इनसे मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं सब कुछ छोटे से छोटे डिटेल्स वगैरह, मतलब जो स्मॉल डिटेल्स है उसको भी कवर करने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे। तो अब इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।